का नाम बदलकर चैत भूमि रखने को लेकर भीम सैनिकों का आजाद मैदान में आंदोलन। सांसद राहुल शिवाड़े के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने लगाया मुर्दाबाद के नारे। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। दादर स्टेशन से नाव चैत्य भूमि, दादर स्टेशन से नाव चैत्य भूमि, राहुल शेवाळे खासदार राहुल शेवाळे मुर्दाबाद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। दादर स्टेशन का नाम चैत भूमि को लेकर आज आजाद मैदान में यहां पर एक आंदोलन किया जा रहा है, तो क्या किस तरह से जो राहुल शिवाड़े का खासदार है उनके खिलाफ भी घोषणाबाजी की जा रही है, किस तरह से घोषणा और क्या क्या इनकी मांगे थी, किस तरह से दादर को चैत भूमि करने की मांग को लेकर आज आजाद मैदान में आते हैं, उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं युवा भीम सेना संस्थापक अध्यक्ष विलास अर्जुन माने हूँ। मैंने एक दो साल से है ना इस दादर चैत्य भूमि नामांतर पे लड़ा रेलवे को दे रहा था, और रेलवे प्रशासन ने हमको ऐसा पत्र दिया है, लिखित दिया है कि राज्य शासन का हमको प्रस्ताव दो। इसके लिए राज्य सरकार से हमने प्रस्ताव मांगने के लिए गई, परंतु राहुल शेवाळे और इन्होंने दीपक केसरकर इन्होंने बोला हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैंने ना उनसे ये करके उनको डावल के मैंने मुख्यमंत्री महोदय CM साहब को एकनाथ जी शिंदे साहब को मिला और उनसे वो रिमार्क करवा के खासदार राहुल शेवाळे को उन्होंने दिया। परंतु इस राहुल शेवाळे ने जो है ना मोदी सरकार में जो हमारे वोटिंग के ऊपर आए लड़के जिन चुन के आए और उन्हें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को विरोध किया है और इसके लिए हम उनके खिलाफ आज आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने 7 स्टेशन को नामांतर का दिया, परंतु हमारा असली प्रस्ताव जो है दादर स्टेशन का चैत्य भूमि नामकरण करने का उन्होंने फेटाल दिया, मतलब ठुकरा दिया। इसके लिए हम उनके विरोध में इतना निदर्शन व आंदोलन कर रहे। अगर इस दो चार दिन में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को और केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा दादर चैत्य भूमि का, तो उसके आगे जो आमदार MLA MP रहेंगे उनको हम घूमने नहीं देंगे महाराष्ट्र में किधर भी। उनका शिवसेना रेंदो या राष्ट्रवादी हमसे कुछ नहीं, हम बाबा साहब के बच्चे और हम बाबा साहब के विचार पे चलते हैं। हमने संविधान मार्ग से काम किया है, संविधान अभी भी हम सहनशीलता से आपसे वावर रहे, हम आपसे बात कर रहे। आप मेरा यही विनंती है कि आप मीडिया के द्वारा आप उन तक बात पहुँचाइए। अगर आपने हमारा प्रस्ताव नहीं मंजूर किया ना तो आपको ये भीम सैनिक अम्बेडकर अन्यायी या सर्व भारतीय जो बाबा साहब ने सबके लिए ये कानून बनाया है इसके लिए सब भारतीय मिल के हम तुमको अच्छा धड़ा सिखाएंगे, यही आश्वासन देता हूँ, यही गवाही देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मांगतो लेने के लिए आप आजाद मैदान में आए हुए। सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय शिवराय। मेरा नाम राहुल सोलंकी, मैं बहुजन क्रांति पैंथर संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जो हमारे समाज ने आज तक जो आंदोलन किया है, मोर्चे निकाले हैं और मैं भी खुद अभी 9 जनवरी को अमर अनुपोषण के लिए बैठा था अभी चैत्य भूमि में कि दादर रेलवे स्थानक को चैत्य भूमि नाम मिलना चाहिए। ये हमारी अकेले की मांग नहीं है, यह हमारे पूरे समाज की मांग है। उसकी वजह यह है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है जिन्होंने ये भारत का संविधान लिखा है, उनका जो निवास स्थान है वो दादर के इसमें ही है और उनका जो महापरिनिर्वाण जो हुआ है वो चैत्य भूमि की जगह वो वहाँ पे ही है, दादर में ही है। और ये दादर ऐसी भूमि है कि उसको बाबा साहब जैसा कोहिनूर का हीरा मिला है। और ये चैत्य भूमि का जो नामांतर का जो सब्जेक्ट है वो हमारे समाज की जो आज तक की जो मांगनी है उसको ये लोग ठुकरा रहे, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इसकी वजह क्या है अभी तक हमें मालूम नहीं। इसलिए हमने जो उपोषण किया था और जो युवा भीम सेना संगठन के माध्यम से जो रेलवे ने उनको पत्रक दिया था तो वही पत्रक अपन ने मुख्यमंत्री साहब को दिया था, मुख्यमंत्री साहब ने उसको परमिशन दे के दिया है। लेकिन जो खासदार राहुल शेवाळे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो अभी तक हमें मालूम नहीं। इसके पहले हम लोग सोचते थे कि कौन इसके लिए विरोध कर रहा है, लेकिन ये जातिवादी भड़का सामने आ गया है। अभी ये सामने आया है तो समाज हमारा क्यों शांत है, क्यों इसको जवाब नहीं पूछ रहा है, ये अभी तक मेरे दिल में खनता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट अपना किसी का घर का नहीं है, ये अपने जो अपन को जो अधिकार दिया है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उनके जो पूरे वर्ल्ड में तो उनका नाम है, इस देश में इस पूरे जग में सब भारत में उनको पहचान थे। और उनकी पहचान ऐसी है कि जो जो जहाँ पे जी उनका नाम है, जो कोई कौन सा सरकारी कार्यालय हो वहाँ भी जाएंगे तो तुम्हें बाबा साहब का फोटो दिखेगा, वहाँ पे उनका संविधान है, सब कुछ है। फिर भी इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है जो उनकी वजह से चुन के आते हैं ये लोग, जब इलेक्शन रहता है तब ये लोग हमारे सामने भीख मांगने के लिए भड़वे आ जाते हैं कि हमें वोटिंग दे दो, ये करो वो करो, हम तुम्हें ये करके देंगे वो करके देंगे। लेकिन ऐसा तो हमें कुछ मिलता नहीं। इधर के जो
नामांतर का जो सब्जेक्ट है ये इसके ऊपर ये लोग क्यों जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री साहब इसको परमिशन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तो उनका काम पूरा किया है। लेकिन ये दादर का जो खासदार है भड़वा राहुल शेवाले, उसने ये करना चाहिए था, लेकिन उसकी जो दिमाग की जो तबीयत सही नहीं है, मुझे लगता है उसका संतुलन खो चुका है वो, क्योंकि उसको बाबा साहब का थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, मुझे एलर्जी है उसको बाबा साहब का। लेकिन उसको यही बोलना चाहता हूँ मैं कि जो तेरे मन में था तूने किया है। अभी हमने जो कायदे से संविधान से जो करने का था हमें, आज तक से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सब बाहर गया है। इसलिए इधर आज़ाद मैदान में युवा भीमसेना संगठन के माध्यम से जो आंदोलन लिया है, अभी ये आंदोलन में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं चुप बैठा था क्योंकि अमर अनुपोषण चालू था, इसके लिए मैं शांत था। लेकिन अभी उसमें से तो मैं मुक्त हो चुका हूँ, क्योंकि अपना जो मकसद था कि मुख्यमंत्री साहब से अपन को परवानगी मिलनी चाहिए, तब तक अपना उपोषण था, उधर से तो मिल गया, मतलब अपना उपोषण हो गया, मतलब अपन उधर ही जीत गए। लेकिन ये भड़वे ने अपन को जो उसकी मानसिकता की वजह से उसने हराने का काम किया है, लेकिन उसको मालूम नहीं जब ये भीम सैनिक बाबा साहब का बच्चा जब रास्ते पर उतरता है ना तो नया नया क्रांति करा के ही निकलता है, इतना इसको ये भड़वे को मालूम नहीं। इतना ही बोलना चाहता हूँ उसको मैं कि जो अभी तू ये जो नामांतर का जो विरोध कर रहा है, उसके लिए मैं तेरे को एक ही बोल रहा हूँ मैं कि अभी तक हमारा जो शांति के मार्ग से हम लोग चल रहे तो चलने दे। ये दो चार दिन में जो क्या हम टाइम दे रहे हैं जो भी है, उसके पहले तू करने का है, तेरे पास जो वक्त है उस वक्त में तू किया तो ठीक है, नहीं तो बम्बई में से लेके पूरे महाराष्ट्र में जिधर भी तेरी गाड़ी दिखेंगी या तू मंत्रालय में भी आने के बाद में तू पता चलेगा कि इधर बैठा है भेंचुर, मंत्रालय में घुसने की ताकत हम में है, साला खुर्ची के जैसे तेरे को उधर से अपड़ने की भी ताकत हम में है, तेरी गाड़ी भी नहीं छोड़ेंगे, जिधर भी तू रास्ते पे मिलेगा तेरे को फोड़ेंगे हम लोग, तेरी गाड़ी से लेके तेरे को भी फोड़ेंगे। ये ऑन जो है सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आपका जो चुनाव आने वाला है अभी मार्च में अगले महीना, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं चुनाव का क्या है, अभी पहले तो ये तो मांगने हमारी पूरी करो, उसके बाद तुम्हारा जो चुनाव का है, वापस एमपी चुनाव इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपके जो भीम सैनिक है क्या करेंगे उसके लिए? अभी देखो विरोध करेंगे, अगर इसने ये नामांतर के लिए अगर विरोध कर रहा है तो फिर हमारा भी उस टाइम पे उसको विरोध रहेगा, उसको खासदार की कैसे आएगी उसको, वो उसने सपने छोड़ना चाहिए। अगर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे खासदार को तो साला किसी जो मंडल का जो अध्यक्ष रहते वो भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मानसिकता अगर चली तो। अगर संविधान के विचारों से तुम शपथ लेके चलते हैं ना, तो फिर उस हिसाब से तुम्हें काम करना जरूरी है। लेकिन तुम अगर ऐसा काम करेंगे तो तुम्हें उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हारी जो जगह है वो तुम्हें हम दिखाने का काम जरूर करेंगे। ये जो अभी चुनाव जो है, जो अभी तुमने बोला कि चुनाव के बारे में तुम लोग क्या करें, मैं मेरे समाज को मेरे भीम सैनिकों को यही बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई को सबको, कि अगर ये निवडणूक के टाइम में आपने इधर किधर भी आया किधर भी दिखा तो साले को मीठा बोल के बुलाने का और घर में लेके उसको ठोकने का इतना काम करो, इतना मैं आह्वान देके बोलता हूँ पैंथर के माध्यम से। ये हमारी सोच नहीं है, फिर भी ये करने के लिए हमें मजबूर कर रहे। अगर इतना जो अगर रहेगा, हम इधर दो तीन दिन का समय देखेंगे, उसके बाद जो कुछ होएगा उसके लिए जिम्मेदार रहेगा यहाँ का महाराष्ट्र का गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ये खासदार राहुल शेवाले, इतना तो मैं बोलना चाहता हूँ मैं।